कल से 16 जून से लेकर के 15 अगस्त तक 2 माह का जो है हमारे पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ कार्प मछली होती है, जहाँ जहाँ ये जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, चाहे वो जलाशय हो या चाहे वो रिवर का क्षेत्र हो, जैसे नदियाँ हैं तो उनमें भी ये पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं मानसून के टाइम में मछली जो का प्रजनन होता है नेचुरल वे में, तो इस वजह से जो है विभाग जो है हर वर्ष 2 माह के लिए प्रतिबंध लगाता है। और इसमें हमारे खास करके जो रिजर्वायर फिशरीज हैं हमारी, वहाँ पे हमारे अलग अलग जैसे पॉम डैम है या गोविंद सागर जलाशय, बड़े जलाशय हैं वहाँ पे हम कैंप वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 3 जलाशय हैं, कोल्ड डैम है, रणजीत सागर है, चमेरा है, वहाँ भी 2-2, 3-3, 4-4 कैंप जो हैं हम इसमें लगाते हैं। लगभग 50 कैंप के आसपास मेरा ख्याल है, लगभग 40 कैंप के आसपास जो है वो पूरे प्रदेश में हमारे जो है कैंप लगाए जाते हैं विभाग द्वारा। और इसमें दिन रात जो है गश्त की जाती है, वहाँ पे एक कैंप में 2 से 3 आदमी जो है हमारे हमेशा जो है वहाँ पे तैनात रहते हैं। और इसी प्रकार जो है विभाग ने संबंधित जलाशय के जो इंचार्ज है उन्होंने अपने अपने जलाशयों में जो है वो उड़न दस्ते भी बनाए हैं और वो उड़न दस्ते जो हैं वो उनके दोनों चाहे वो सड़क मार्ग से या फिर वो पानी के मार्ग से मोटरबोट के द्वारा भी वो जो है गश्त करेंगे और सडन रेड्स करके जो है, और इसी प्रकार वो अलग अलग बसीस में या कहीं पे अगर कोई इसी तरीके का कोई इलीगल तरीके से अवैध मत्स्य अपडेट होता है तो उसके ऊपर भी वो पूरी निगरानी रखेंगे।